देखो, जो गिवन प्रूफ है, जो गिवन रिजल्ट है, उसे हमें प्रूफ करना है, बायनोमियल में है। ये रिजल्ट हम इसलिए प्रूफ करें क्योंकि इसी बेसिस पर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रूफ निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रूफ निकालेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रूफ निकालेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रूफ हमने पहले पढ़ा है, लेकिन स्क्वायर और क्यूब का हमने पहले नहीं पढ़ा है, ना हमने देखा है ना जाना है। मुझे आज ये रिजल्ट पता चला और बहुत अच्छा रिजल्ट था, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी साझा करूँ। ठीक है, गिवन क्या है, समेशन एम इजक्वल टू के टू एन एम सी के इज इक्वल टू के सी के प्लस वन सी के सो ऑन एन सी के इज इक्वल टू एन प्लस वन के प्लस वन। ठीक है, आपको ये रिजल्ट हमें बताना है। ठीक है, अब आप देखो, समेशन को तो एक्सपेंशन कर लें, दिखा देते हैं। समेशन क्या है, एम इजक्वल टू के टू एन, ठीक है, एम सी के एम इजक्वल टू के रखो तो क्या बनेगा, के सी के, ठीक है, प्लस फिर अगला टर्म के प्लस वन सी के, ठीक है, फिर अगला टर्म ऐसे सोन करके लास्ट में क्या आ जाएगा, एन सी के। ठीक है, और इसी का जो फाइनली रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेगा, एन प्लस वन सी ऑफ के प्लस वन। रिजल्ट याद करने का तरीका बताता हूं, देखो इसका प्लस कर देना है एक, और इसका भी के प्लस कर देना, बेस में सब सेम रहेगा। ठीक है, और स्टार्ट कहां से करना है, जहां बेस के बराबर का जो पावर में रहेगा वहां से, और फिर आगे की तरफ, और फाइनली रिजल्ट ये आएगा। इसका प्रूफ देखो, जो आरएचएस लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, एन प्लस वन सी ऑफ के प्लस वन, इसको करते हैं एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन के टर्म में। ठीक है, एन सी के प्लस वन प्लस एन सी के, ठीक है, ये देखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये वाला टर्म मुझे मिल गया यहाँ। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, इसको एज इट इज लिख लो, एन सी के, ठीक है, फिर लिख लो इसको एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन के टर्म में। ठीक है, तो एन माइनस वन सी के प्लस एन माइनस वन सी ऑफ के प्लस वन। ठीक है, देखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन सी आर हो गया। ठीक है, ये सेम चीज। अब आप देखो एन माइनस वन सी के इसका प्रीवियस वाला टर्म मिलेगा ये, अब इसको एक्सपेंड कर लो, तो सीधे ऐसे एक्सपेंड करते करते आपके पास क्या मिलेगा, लिख लेते हैं इसको एन माइनस वन सी के, ऐसे ऐसे करते करते फाइनली कहां तक पहुंचोगे, के प्लस टू सी ऑफ के प्लस वन पहुंच जाओगे ऐसे करते करते। फिर अब इसे लिखें तो इसे लिख लो इसी के टर्म में, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन के टर्म में के प्लस वन सी ऑफ के प्लस वन। ठीक है, प्लस के ऑफ के प्लस वन सी ऑफ के, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन ये आ जाएगा एन प्लस वन से। अब आप देखो ये के प्लस वन सी के, इस के प्लस वन ये कितना है, वन इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आप देखो ऊपर वाले को लिख लिया एन सी के प्लस एन माइनस वन सी के एंड सो ऑन, इसको लिख लेते हैं के प्लस वन सी ऑफ के, इसको देखो के ऑफ सी के प्लस वन वन के बराबर, तो उस वन को ऐसे भी लिख सकते हैं के ऑफ सी के, ये भी तो वन ही है। ठीक है, तो आप देखो जो ऊपर गिवन था यही हमें मिल गया, और इसका प्रूफ हमें मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत फेमस रिजल्ट है। अब आप देखो के इजक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, के इजक्वल टू वन, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आ जाएगा। इधर करो तो के इजक्वल टू वन किया तो एन सी वन कितना हो गया, एन, ठीक है, एन माइनस वन सी वन कितना हो गया, एन माइनस वन, सो ऑन ऐसे करके के इक्वल टू वन करेंगे तो टू आ जाएगा, टू सी वन, फिर वन सी वन तो वन। आप देखो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऐसे सोल्व करके एन माइनस वन अप टू एन तक, तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक, और इस तरफ पुट कर दो तो टू एन प्लस वन सी ऑफ टू, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ, टू फैक्टोरियल का हाफ आ जाएगा, और एन प्लस वन टू एन आ जाएगा। देखो आ गया ना एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आप जानते हो वन प्लस टू प्लस अप टू एन तक। ठीक है, देखो ये रिजल्ट डेराइव हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, हम इसे अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये रिजल्ट इसलिए हम कह रहे हैं ताकि एक बार आप समझ सको, मैंने पूरे थ्रू आउट द लाइफ जो 12th में था मेरे को नहीं पता, और मेरे को आज पता चला है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है।